अगर कोई ने पैसा खाए तो नौकरी के बाहर करेगा, मामा आजकल खतरनाक मूड में, छोड़ेगा नहीं। कोई टीआई पीआई अगर ढीला ढाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है मुझे बता दो। और दुराचारी अगर कोई है तो सीधे ऐसा सबक सिखाओ कि सात पीढ़ियां याद रखे, फांसी के फंदे पर तो मैं लटक पाऊंगा। और मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं नहीं रखूंगा भाई। सीधी सीधी अभी मकान के लिए कितने मकान आए इस बार आवास प्लस में? 14,000 का इस साल का लक्ष्य सर। इस साल कितने? 14,100। 14,000 आए जी। सबको पैसे खाते में डल गए? सर धीरे धीरे मिलते जा रहे हैं सर। नहीं, पहली किस्त डली कि नहीं? पहली किस्त डल गई सर। सीओ जिला पंचायत कौन है, जरा आ जाए, जरा विवरण दो, सबको पैसा मिले कि नहीं मिले? पहली किस्त डल गई सर। डल गए 99% लोगों की डल गई सर। अजब, पैसा डाल ले ईमानदारी से, कोई नहीं लाए तो नहीं कोई? नहीं सर, पूरी ईमानदारी से पैसा डल रहा है। पूरी ईमानदारी से 100% सर। क्या दिक्कत क्या है? कई बार नीचे पैसे ही खींच लेते हैं कि 5,000 देगा, 10,000 दे जा। अब ये नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई शिकायतें तो नहीं आई? कोई की शिकायत हो तो कर देना भैया। अगर कोई ने पैसा खाए तो नौकरी के बाहर करेगा, मामा आजकल खतरनाक मूड में, छोड़ेगा नहीं। तो ये चेक करते रहना। अपने आप तो ऐसी शिकायत नहीं आई? कहां सीओ कहां चले गए भाई? हर बात का जवाब कलेक्टर इकाय को दे। किसी की शिकायत मिली कि पैसा मांग लिए? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं आई अभी तक सर। कोई हो तो जरूर कर देना, कोई डरने पड़ने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करना। तो आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने हाथ उठाओ, जिनके बन गए वो उठाओ, इधर भी जिनके बने वो उठाओ। बहुत से लोगों के बने, बढ़िया, बधाई आप लोगों को। लेकिन अब जिनके नहीं बने वो उठाओ, बहुत से रह भी गए अभी तो। मौका मिल गया सीएम जनसेवा, ये कौन बनाते हैं आयुष्मान कार्ड? स्वास्थ्य विभाग? स्वास्थ्य विभाग बना रहे हैं सर, पंचायतों के माध्यम से भी बन रहे हैं सर। जीआरएस बना रहे हैं सर अब? नहीं, ये बना कौन रहे, पंचायतों में ही ना। जीआरएस बना रहे हैं सर। तो अभी कितने बन गए सर? 5,45,308 बन गए सर। 5,45,300। और बनना कितने चाहिए लगभग सर? ये बनना थे 8,90,000। 8,90,000। 90,000, तो अभी 3,00,000 से ज्यादा की कसर बाकी है। 1,34,000 सर हमारे पास आवेदन आ गए। बनाओ फटाफट बनाओ, जब देने वाले यहाँ खड़े हैं तो तुम्हें काहे की परवाह, चिंता मत करो, आयुष्मान कार्ड बनाओ सब। स्वास्थ्य सहायता समूह की बहने हाथ उठाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहने हाथ उठाओ। ये स्वास्थ्य सहायता समूह में सब बहने हैं क्या? कौन देख रहा स्वास्थ्य सहायता समूह आ जाए? सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन देख रहा, जल्दी आओ भैया। सर वैसे रायसेन जिले में 9,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह है सर। कितने समूह बने? 9,000 से ज्यादा हमारे यहाँ स्व सहायता समूह है सर। और ये इनकी बैंक लिंकेज कितनों की हुई है सर? बैंकों से कितने जुड़े, काम धंधा कितने लोगों ने शुरू किया? सर अभी एग्जैक्टली तो मेरे पास फिगर नहीं है सर, पर लगातार जो हम लोग डीएलसीसी की बैठक, कौन आजीव कमीशन कौन देख रहा, वो आए ना, कहाँ ढूंढवाओ, कहाँ सर बुलवाते हैं आजीव कमीशन वाले। जरा बहनों का कैसे काम चल रहा है देखो। अभी हमारी जो योजनाओं पे काम चल रहा था, उदयपुरा वाली पूरी हो गई कि नहीं जल निगम की? पूरी हो गई सर। गांव में पानी मिल रहा है रामपाल जी की नहीं? जी सर। रामपाल जी पानी मिल रहा है कि नहीं गांव? नहीं रामपाल जी नहीं, रामकिशन जी मिल रहा है? अच्छा, दूसरी अपन ने बनाई थी सेमरी जलाशय से, उसका काम कितना हुआ है अभी? ये सेमरी कौन देख रहा है मुझे बताओ, कब तक पानी दोगे घर घर? जी सर, घर में नल लग के पानी कब मिलेगा सर? इसमें मार्च 23 तक मिल जाएगा सर। माइक ऊपर करो सर, मार्च 23 तक मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? मार्च 23 तक सर। अभी हमारा इतनी देर क्यों लगी, टेंडर कब हुए सर? इसका 2018 में हुआ था, हमारे टंकियां वगैरह। इतनी देर क्यों लगी सर? कॉन्ट्रेक्टर ने बिलो रेट डाले थे 17% बिलो सर, मगर अब हमारा आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। मैं जानना चाहता हूँ कौन ठेकेदार है, देर क्यों लग रही है, 18 का काम अब तक क्यों नहीं हुआ, पूरा कब करना था सर? जयवर्डी कंस्ट्रक्शन गुजरात का था, इनको काम बिलो परसेंटेज बहुत डाला था
और कोविड के कारण और इनके जो मुख्य आवेदक। अब लास्ट डेट कौन सी आपकी वो बताओ मुझे। सर 23 मार्च 23 तक पूरा हम काम कर देंगे और पानी चालू कर देंगे दिसंबर में सर, जो छोटे मोटे काम मिला के 23 में पूरा कर देंगे। तो ये काम गुणवत्तापूर्ण हो रहे हैं कि ऐसी टीम टाम लगा रहे हो? नहीं नहीं सर, काम कर रहे हैं सर पूरा। ये सबकी ड्यूटी है, करोड़ों रुपए हम खर्चा कर रहे हैं पाइपलाइन बिछाने में और घर घर नल लगाने में। घटिया काम कहीं मत होने देना और हो तो मुझे शिकायत करना, काम अच्छा होना चाहिए ताकि घर घर पानी ढंग से पहुंच सके। और कलेक्टर की ड्यूटी है कि ढंग से देखे ताकि हम पानी ठीक से पहुंचा सके। कमिश्नर ने कभी देखा क्या जल जीवन मिशन का काम? कमिश्नर साहब जल जीवन मिशन का काम कभी चेक करते हो कि नहीं? आप चेक करो ठीक से हो, समय पे हो सर। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, लोगों को पीने का पानी घर घर देने का काम हमें करना है, इसलिए हम इतने पैसे खर्चा कर रहे हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके जासूस फैले रहने चाहिए जी सर। कलेक्टर का भी खुफिया विभाग होना चाहिए कि कहां गड़बड़ हो रही है सर। और किसान मोर्चा का यही काम है, करो भाई, काहे को चुपचाप बैठो। खाद पर्याप्त है और जहां जरूरत है वहां पहुंचाएंगे, पहले से बता दो। लेकिन खाद की कोई कमी जनता को और किसानों को किसी भी कीमत पर नहीं आनी चाहिए। और ये ऐसा पैसा देना बंद करो मामा काय के लिए, जरूरत पड़े तो खबर भर कर दो, बाकी सब काम अपन कर लेंगे, चिंता नहीं। गांव गांव में अपनी फौज तैयार हो जाए, गड़बड़ करने वालों को ठीक किया जाएगा सबको, इनको छोड़ेंगे नहीं। रायसेन जिले में चोरियां बहुत हो रही है भाई, अब वो जनता बैठी है, ये जनता की आवाज है। चोर कैसे घुस रहे और पकड़े क्यों नहीं जा रहे, ये बता दो। सर चोर पकड़े जा रहे हैं सर, अभी तक 50 सर 50 से 60 चोर पकड़े गए हैं सर, और अभी भी हमारी टीमें लगी हुई है सर, बहुत सारे गैंग पे काम कर रहे हैं सर और बैठे हुए हैं कोतवाली थाने पे सर। आपने जैसा निर्देश किया है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट देंगे सर आप। देखो सीधा कह रहा हूं मैं, एक तो चोरी होना नहीं चाहिए, चोरी होने का मतलब चोरों को पुलिस का डर नहीं है, और डर ऐसा होना चाहिए कि चोरी करने वाले कांप जाएं कि छोड़ेगी नहीं पुलिस। और इसलिए सख्त करो, कोई TIFI अगर ढीला ढाला बदल दो, कोई बेईमानी करता है तो हटा दो, उसमें कौन सी दिक्कत है मुझे बता दो। एक TI हटाया कोई यहां का? TI जिसका चोरी हो रहा हटा की हटाया क्या? जी सर TI हटा, ये ढीले ढाले कोई नहीं चलेंगे। और मेरे पास जो खबर है, हत्या की वारदातें भी 14 हुई है। कितनी हत्या की वारदातें हुई सर? 30 हत्याएं हुई है सर अभी तक। पकड़े कितने गए? गए कि नहीं? 27 पकड़े जा चुके हैं सर। 3 भी पकड़ो और पकड़ के ऐसा सही करो कि दोबारा भूल जाए अपराध करना। देखो अपना खुला खेल है भाई, बदमाशों को छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पर। ये चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले और दुराचारी अगर कोई है तो सीधे ऐसा सबक सिखाओ कि 7 पीढ़ियां याद रखे, फांसी के फंदे पे तो मैं लटक पाऊंगा। सख्त प्रशासन चाहिए जी सर। और मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, और कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं नहीं रखूंगा भाई, सीधी सीधी बात। क्लियर है सर, परिणाम कार्रवाई होगी सर। आप परिणाम दीजिए, और ढीले ढाले TIFI हो, गड़बड़ हो, कोई काम नहीं कर रहा हो, कोई अपराधियों के साथ मिलके चल रहा हो तो नाम निकालो कौन कौन है, उनको भी ठीक करेंगे।